तो कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम जो बात करने वाले हैं, ये बात करने वाले हैं हम जो अभी अभी नई वैकेंसी आई हैं, माफ करना अभी नहीं आई, काफी दिन हो गए हैं वैसे तो, बस मेरी वीडियो थोड़ी लेट बनी है इसके ऊपर। तो जो वैकेंसी आई है उसके ऊपर हम बातचीत करने जा रहे हैं। ये जो वैकेंसी आई है आपकी, ये आई है आपकी इंडियन पोस्ट GDS, ठीक है, समझेंगे, इंडिया पोस्ट GDS, ठीक है ना, इंडियन पोस्ट ऑफिस की या पोस्ट ऑफिस की तरफ से वैकेंसी आती हैं, ठीक है। असल में एक बार इस वैकेंसी के प्रारूप को समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। पहला हम पढ़ेंगे कि इसमें क्वालिफिकेशन आपकी क्या मांगी है। दूसरे नंबर पर इसमें हम लोग जानेंगे एज कितनी मांगी है। तीसरे नंबर पर हम लोग जानेंगे इसमें सैलरी कितनी है। चौथे नंबर पर हम जानेंगे क्या ये सरकारी है, अर्ध सरकारी है, या डेली बेस पर है, ये किस प्रकार की ये वैकेंसी है। और साथ ही साथ जानेंगे हम इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी, साथ ही जानेंगे क्या इसका सिलेबस है, पेपर है तो कैसा है, और नहीं है तो फिर क्या प्रक्रिया है। ये सब चीज़ें इसके अंदर आज हम जानने वाले हैं। आइए समझ लेते हैं कि क्या क्या इसके अंदर मांगा है और क्या क्या आपको पास है और कैसी इसकी तैयारी करनी है, समझ लेते हैं। आइए इंडियन, देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा पोस्ट ऑफिस होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन काम करता है। इसमें जो नौकरी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की मानी जाती है, जिसे हम कहते हैं केंद्र, ठीक है। तो यहाँ पर बात आएगी केंद्र की। असल में जो हमारा एक लोग ऐसा डिपार्टमेंट है ये वाला, जो दो ब्रांचेज में काम करता है। एक तो आपका पोस्ट ऑफिस, जो कि आपके मुरादाबाद शहर में या फिर अच्छे शहर में होता ही होता है पोस्ट ऑफिस। साथ में इसकी दूसरी ब्रांच होती है जिसे हम कह देते हैं GDS। तो ये जो वैकेंसी निकली है फिलहाल, ये किस में निकली है आपकी? GDS में निकली है। अगर हम यहाँ पे सिर्फ यूपी की बात करते हैं तो सिर्फ यूपी यूपी में आपके पास टोटल वैकेंसी है 3551। सिर्फ कितनी है? 3951, माफ करना, 3951 वैकेंसी इसके अंदर है। अब आइए बात कर लेते हैं कि इन 3951 वैकेंसी है इसकी लास्ट डेट क्या है। अगर इसकी मैं लास्ट डेट की बात करूं तो 7/5/2020, मतलब ये वीडियो मैंने आज बनाई है और आज तारीख है 4/4, है ना? ओके, चलिए तो आज है तारीख 4 और आज से आपके पास दिन बचते हैं 3। सो देख लेना जल्दी से, गुड, आज 3 तारीख है, हमारे कैमरा मैन ने हमें बताया, ठीक है। तारीख है 3 तारीख है जब मैंने वीडियो बनाई है, रात के 9 बजे हुए हैं, ठीक है। 10 से 10 बजे तक वीडियो आपके पास होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है, तो उसके पास से हम देखेंगे, समझ लेते हैं। खैर बात की बात है बिहार की, तो 7/5/2020 इसकी लास्ट डेट होगी। एज, अगर इसकी हम एज की बात करें तो 18 साल से लेकर 40 साल तक का नौजवान, 40 साल भी तो व्यक्ति नौजवान ही होता है ना, तो 40 साल तक का नौजवान व्यक्ति इसे भर सकता है बहुत ही आसानी के साथ। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें जो क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है बहुत ही हाई फाई क्वालिफिकेशन है, हर बंदे पे नहीं मिलती है। 10th क्या मांग गया है? 10th मांगा गया है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हल्का फुल्का माहौल रहेगा, है ना, एकदम नाराज मत होना सर, कैसी बातें कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, क्वालिफिकेशन कितनी आपकी? 10th मांगी गई है। तो ये तो जानकारी हो गई आपकी मोटी मोटी ऊपर की, वैकेंसी कितनी, लास्ट डेट क्या, एज कितनी और क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगा गया है, आपको सब चीज बताई जाएगी इसके अंदर। इसलिए वीडियो एंड तक देखें, अपडेट रहें। अब आ जाते हैं कि साहब इसका जो फी चार्ज है वो कितना है। तो मैं बता दूं, जनरल वाले भैया आप लोगों का फी चार्ज है 100 रुपये। इसके अलावा SC हो ST हो इनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। हाँ OBC वाले भैया भी देंगे अच्छे पैसे, 100 रुपये, ठीक है। SC ST या फिर फीमेल हैं इनसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। इनके लिए फॉर्म कैसा है? बिल्कुल फ्री है, ठीक है। जाएं फॉर्म भरें, कैफे वाले भैया आपसे 50-60 रुपये जरूर लेंगे, उन्हें दे देना। और क्या फ़ायदा उस स्मार्टफोन का जिससे आप अपना फॉर्म भी ना भर पाओ, तो हो सके तो फ़ोन से भर लेना, फिलहाल तो लॉकडाउन है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपके पास होगी, इसके अलावा कुछ फ्री आ जाते हैं, बात कर लेते हैं इसमें पोस्ट कौन कौन सी हैं और उन पोस्टों के क्या क्या काम हैं, वो कैसे काम करेंगी, नौकरी सरकारी है या सरकारी है, पेपर कैसे, समझ लेते हैं। देखिए एक पोस्ट होती है इसमें BPS, एक पोस्ट है BPS, दूसरी पोस्ट है इसमें ABPM, ये वाली, ठीक है ना, ये दो पोस्ट हैं। इसी में ABPM में कुछ डाक सेवक भी आ जाता है, डाक सेवक,
जी हाँ, डाक सेवक, ये दो पोस्टें आपके पास हैं जिसके अंदर आप अप्लाई करेंगे। ये बीपीएस का काम क्या होता है एक बार समझ लेते हैं। देखिए, जो बीपीएस का काम होता है कि प्रत्येक गांव में ग्राम पंचायत में डाकघर की एक शाखा होती है जिसे डाक सेवा कहा जाता है। जो भी ग्राम पंचायत का गांव होता है, उसमें क्या होगा, एक तो हमारे यहाँ दो वैकेंसी हैं, एक बीपीएस होती है, दूसरी है एबीपीएम, और दूसरी इसके साथ है डाक सेवक। एबीपीएम का हो या डाक सेवक का हो, लगभग बात एक जैसी है। तो इसमें बीपीएम क्या है, देखिए, प्रत्येक गांव में ग्राम पंचायत में डाकघर की एक शाखा होती है, एक ब्रांच होती है, किसकी, पोस्ट ऑफिस की, किसमें, गांव क्षेत्र में, छोटे गांव में बनी हुई होती है। तो इसे हम क्या कह देते हैं, इसका नाम दिया गया है ग्रामीण डाक सेवा, GDS, ग्रामीण डाक सेवा। तो ये एक ऑफिस का नाम समझ लीजिए, एक ब्रांच का नाम समझ लीजिए, जैसे पोस्ट ऑफिस है, पुलिस है, एक विभाग है पुलिस, ऐसी भी एक विभाग है GDS, सही है। तो इसका छोटा सा कार्यालय बना हुआ होता है, वो किराए पर भी हो सकता है, कैसी भी आपकी हेडक नहीं, गवर्नमेंट की हेडक है। तो इसमें काम क्या होगा बीपीएस का समझ लेते हैं। बीपीएस का जो मेन काम होगा, बीपीएस उस डाकखाने का या उस ऑफिस का क्या होगा, हेड होगा। सारी कागजी कार्रवाई इसी के अंडर होगी, पोस्टों का आना जाना सभी इस पर ध्यान रखेगा। दूसरा इसमें होता है, दूसरा मैं बस ओरली आपको समझा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। इसमें एबीपीएम डाक सेवक होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये सहायक के रूप में काम करते हैं। किसके सहायक के रूप में, बीपीएस के सहायक के रूप में काम करते हैं, डाक बांटना। इनका और भी अन्य काम होते हैं, जैसे कि बिक्री संबंधी कुछ काम होते हैं, डाक टिकट वगैरह, तो ये सब कौन देखता है, ये लोग देखते हैं। इसका काम ऑफिस का है, इसे बाहर भी जाना पड़ता है ऑफिस के ही कामों से, ठीक है। ऐसा समझ लो, ये वहाँ का हेड है बीपीएस, और ये वहाँ के कर्मचारी हैं, सही है। ये इन शॉर्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, अब जाते हैं इसके ऊपर, क्या साहब इसमें पेपर होगा। हाँ, पहले हमने बात करी थी क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन में मैंने सिर्फ इतना बताया था 10th मांगा है, मैंने झूठ बोला था, 10th होना चाहिए पर मैथ के साथ होना चाहिए, किसके, मैथ और इंग्लिश। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, गृह विज्ञान ले लेती हैं लड़कियां, तो वह नहीं भर पाएंगी। कोई बच्चा मैथ, वैसे हटता नहीं शायद हाई स्कूल में, अगर मुझे पता नहीं, अगर हट जाता हो तो, पर मैथ होना जरूरी है हाई स्कूल में, ठीक है। अरे बात कर लेते हैं इसके पेपर के बारे में। देखिए, पहली बात है कि इसमें पेपर नहीं होगा। पेपर नहीं होगा तो बहुत सीधी सी बात है, क्या होगा, मेरिट लगेगी। मेरिट किस बेस पे लगेगी, 10th बेस पे चलेगी। अगर आपने बहुत ज़्यादा पढ़े, क्योंकि आप मेहनती तो हैं ही सभी लोग, है ना, तो आप अच्छा पढ़े होंगे स्कूल में, तो हाई स्कूल में अच्छा पढ़ने के बाद आपके अच्छे नंबर आए होंगे, तो जिसके अच्छे नंबर आए हैं या जिसे उम्मीद है कि मेरिट में आ सकते हैं, वो उस फॉर्म को जरूर भरें। अब इसमें कुछ बच्चे सोचेंगे, यार मेरे तो अच्छे नंबर नहीं आए, मेरे तो 60% रह गए। तो मैं बता दूं, इन्हें भरने वालों की संख्या क्या रहती है, कम रहती है, और वैसे भी अभी चल रहा है लॉकडाउन, तो लॉकडाउन के चलते आधे से ज़्यादा, गारंटी बता रहा हूँ, जो बच्चा पहले डेली सरकारी रिजल्ट वेबसाइट खोल कर देखता था ना, वो आजकल वेबसाइट भी नहीं खोल रहा, वो खोल रहा टिकटॉक, व्हाट्सअप जैसी चीज़ें, ठीक है, वो इन पर जा ही नहीं रहा। एजुकेशन की वीडियो बनाते हैं, बच्चा इस टाइम एजुकेशन की वीडियो देख नहीं रहा, उसे चाहिए स्टैंड अप कॉमेडी, वो अलग दुनिया में जी रहा। तो इसलिए बच्चों को, आधों को पता ही नहीं है कि वैकेंसी आई हुई भी है, तो इसके कारण बच्चे कम भरेंगे। अगर आपके नंबर 55% के आसपास भी, तो भी फिल करें, क्योंकि 100 रुपये ज़्यादा नहीं, और एससी में हैं आप तो फिर जरूर भर दे, फ्री में भरना है। तो पेपर नहीं है, मेरिट बेस पे लगेगी। आइए बात कर लेते हैं भैया, सैलरी कितनी है और ये सरकारी है या नहीं है, दोनों बातें एक साथ कर लेते हैं। पहली बात, ये पूरी तरह से सरकारी नहीं है। तो क्या ये संविदा पर है, नहीं, ये पूरी तरह से संविदा पे भी नहीं है। तो क्या ये प्राइवेट है, जी नहीं, ये प्राइवेट भी नहीं है, तो फिर है क्या चलिए तो बात आती है, तो फिर ये है क्या, आओ समझते हैं। देखिए, असल में सेंट्रल गवर्नमेंट जो सुविधा देती है, समझना, एक प्रकार से सरकारी की कैटेगरी में डाला जाएगा। असल में ये ए व्यक्ति है और ये बी व्यक्ति है। मान लेते हैं कि ए व्यक्ति किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी है, ठीक है, सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी है, और ये कर्मचारी है किसका, जीडीएस का, क्लियर है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है, महंगाई भत्ता मिलेगा, रेंट मिलेगा, डीए वगैरह मिलते हैं, मतलब बहुत सारी अन्य सुविधाएं मिलती हैं, सही है ना, समझना। बस क्या है, जीडीएस वालों को ये सारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, क्लियर है। बाकी ऐसा नहीं है कि इसे हटा दिया जाए, ऐसा नहीं है इसे निकाल दिया जाए, ठीक है ना। अब भैया, क्योंकि इसकी जो तनख्वाह होती है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी है पूर्ण रूप से केंद्र का, इसकी तनख्वाह जो शुरुआत होती है वो नियर अबाउट 26K से शुरू होती है, मतलब 26,000 से शुरू होती है लगभग, निचली से निचली पोस्ट की भी।
क्योंकि ये पूर्ण रूप से सरकारी कर्मचारी नहीं है, तो इसमें जो वैकेंसी हमारे पास है वीपीएस और डाक सेवक समझ लेते हैं ना, डाक सेवक जो है ये दो वैकेंसी, इसकी जो मिनिमम तनख्वाह है, देखिए वीपीएम है ये, सॉरी, इसकी जो तनख्वाह है ये 4 घंटे काम करता है, 3 से 4 घंटे से काम करना होता है, और इसे 3 से 4 घंटे के जो पैसे मिलते हैं वो मिलते हैं 12,000 रुपये। अभी समझना, परेशान मत होना, इसके बहुत ही बेनिफिट हैं, ये सरकारी भी होगा, मैं भी पूरी बात बताऊंगा, कभी वीडियो स्किप करें। और जो दूसरा है डाक सेवक, इसकी तनख्वाह होती है 3 से 4 घंटे की 10,000 रुपये, क्लियर है। अगर इसे 5 घंटे काम करना पड़ेगा तो इसकी तनख्वाह होगी 5 घंटे की 14,500, और इसे 5 घंटे काम करना पड़ेगा तो इसकी तनख्वाह होगी 12,000। बात समझ में आ गई? असल में एक बीपीएम कितने घंटे काम करता है, 3 से 4 घंटे पूरे दिन में, समझना। अगर आप मेरी बात समझना, बहुत सारी भी बातें हैं अभी। पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि इसके ऊपर केस चल रहा है, किसके ऊपर, जीडीएस के ऊपर, क्या कि इसे सरकारी किया जाए, और लंबे समय से केस चल रहा है, और जहां तक अभी पक्ष में जा रहा है इनकी जीतने की उम्मीद बन गई है, समझना। अगर मान लो आज आपने फॉर्म भरा और आपका मेरिट बेस पे नंबर आ गया, ठीक है, और आपको 10,000 12,000 रुपये मिल रहे हैं, और मान लो 3 साल बाद ये सरकारी हो गया, तो सीधी सी बात है तनख्वाह कितनी पहुंच जाएगी तुरंत, 30,000, है ना। तो इसीलिए इसे भरने में फायदा है। अब आ जाते हैं दूसरी बात कि साहब तनख्वाह शुरू में तो बहुत कम है, ना हुए तो क्या हुआ। अगर मान लीजिए आपने भर दिया, नंबर आ भी गया, तो ऐसा कौन सा समय आप देश की सरहद पर खड़े होकर देश की सुरक्षा कर रहे हैं, घर में खाली तो बैठे, फॉर्म भर लो, 3 से 4 घंटे काम करना है कर लो। इसके अलावा अगर आप पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं, तो 3 से 4 घंटे तो व्हाट्सएप यूज में निकाल देते हो गए, 3 से 4 घंटे काम कर लो, 10 से 12,000 रुपये मिल जाएंगे, 5 घंटे काम कर लो इतने मिल जाएंगे। हाँ, जैसे जैसे हर साल इनके पैसे बढ़ते हैं इनके भी बढ़ते हैं, बाकी सब कुछ है सेम, कोई दिक्कत नहीं है, बस डीए वगैरह नहीं मिलता इसलिए इनकी तनख्वाह कम है। और भाई डीए मिलना नहीं चाहिए, 3 घंटे का कौन डीए दे रहा है तुम्हें, और किस चीज का डीए 3 घंटे का, है ना, खुद समझो। तो 3 घंटे के क्या 12,000 कम है, कुछ भी नहीं है, 3 घंटे के 1,000 कम है, 10,000 सॉरी, बिल्कुल भी कम नहीं है। तो ये समझें आप इस तरह से, तो 3 से 4 घंटे काम करना है कभी भी कर लेंगे दिन भर में, बहुत आराम से कर लेंगे दिन भर में काम। तो अब मैं इसमें बता दूं, केस चल रहा है, जीडीएस के जीतने की उम्मीद भी है, अगर ये जीतती है तो आप सरकारी हो जाएंगे। मान लो नौकरी लग गई, फॉर्म भर दिया, मेरिट में नंबर आ गया, और ये सरकारी नहीं हुए, केस हार गए, तो भैया तुम्हारा मन करे तो कर लेना, वरना छोड़ देना। और मेरे ख्याल से अगर तुम्हारी गवर्नमेंट नौकरी पढ़ के लग गई कहीं और, तो इसे छोड़ देना। और मान लो नहीं लगी, कहीं प्राइवेट कर रहे हो या खेती बाड़ी कर रहे हो, तो अपनी खेती अपनी जगह खेती करो, पूरे दिन 3-4 घंटे से दे दो, अरे लड़का को बैठा दो, भाई को बैठा दो, काम ही तो देखना है ना, कोई ऐसा बड़ी आफत। तो ये उन लिहाज से बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है, जिन बच्चों के हाई स्कूल वगैरह में थोड़े अच्छे नंबर हैं, या फिर गांव में घर में खाली बैठे हैं, तो फॉर्म भर लें, ठीक है ना। तो अब आप आराम से फॉर्म भर दें, तुरंत के तुरंत जाएं sarkarijal.com पर, उसमें लिस्ट में दिया हुआ है न्यू जॉब वाले में, वहां जाएं, बटन पे क्लिक करें, ऑनलाइन जाएं, फॉर्म भरें, कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी करें, आ गया नंबर तो कर लें, नहीं आया तो कोई बात नहीं, कुछ गया थोड़ी ना, 800 रुपये की तो बात है, वो भी हर एक के लिए नहीं, एससी वालों के लिए तो बिल्कुल फ्री है, एसटी वालों के लिए फ्री है, लड़कियों के लिए फ्री है, और नौकरी किसी के लिए बुरी नहीं है, सभी के लिए एक नौकरी है, बहुत ही अच्छा मौका है। और भैया कहीं सरकारी नौकरी लग जाए तो इसे टाटा टाटा बाय बाय कर देना, हम आपके यहाँ कौन हो जाना इससे, बस इतना ही था, अगली आएगी तो बताऊंगा नौकरी, अब बाय बाय।